इसके इम्पैक्ट आएंगे, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो वॉशिंगटन आए हुए हैं, इत्तेफाक से मैं भी वॉशिंगटन में ही हूँ। और जो कहा जा रहा है कि नए ड्रोन्स आएंगे, फाइटर जेट्स आएंगे, बहुत पैसा आ रहा है, अमेरिका जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं डॉलर द डोल इंडिया नु दे रहा है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस विजिट? क्या आप समझते हैं कि ये जो इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगी ये बेसिकली इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये इंडिया के डिफेंस को मजबूत कर सकती है अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान? लार्जली जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है व्हेन इट कम्स टू इस विजिट? और पर्टिकुलरली आपको याद होगा कि इस विजिट से पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टन एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे। सो ये कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी फोकस है वो डिफेंस के ऊपर है। सो कल सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बीइंग ए फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है सर? देखिए चीमा साहब, बीइंग अ फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर एंड ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ यू नो सिक्योरिटी अफेयर्स एंड स्पेशली स्ट्रेटजिक अफेयर्स, तो उसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि ये जो विजिट है इंडिया और यूएस के बीच में, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेट विजिट जो हो रहा है, उसको सिर्फ मैं जो है वो सिर्फ इंडिया और यूएस का रिलेशन के प्रिज्म से ही नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरे ख्याल से पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में एक अटेंशन इस विजिट का हो रहा है एंड पीपल आर कीन टू नो व्हाट इज हैपनिंग। लोग जानना चाहते हैं कि इससे क्या होगा, क्या क्या एग्रीमेंट्स होंगे, किस तरह का एक इंडो यूएस रिलेशंस का जो शेप होगा वो किस तरह से होगा। उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण तो दो जो देश हैं वो जो आ रहे हैं फॉर सच अ विजिट एंड सच अ कॉर्डियल रिलेशन जो बन रहा है या बन चुका है एंड इट इज फॉर द सीमेंटिंग द रिलेशंस, वो दोनों अपने आप में ही एक पावरफुल कंट्रीज है। एक है सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी है यूएस, हमारा जो भारत है सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो पॉपुलेशन तो इंडिया नंबर वन है एंड यूएस भी पॉपुलस कंट्री है, इकोनॉमी देखे तो यू नो यूएस अपने आप में एक पावर है, इंडिया अपने आप में पावर है। इन सबको छोड़ के इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है आज की तारीख में, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है और करंटली जो ग्लोबल में जो हो रहा है उसमें इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो कोई यू नो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसकी वजह से इंडिया को अपने आप एक एडवांटेज है। तो इन सब मामले में, और मैं उसके आई थिंक हम लोग आगे जाकर उसके बारे में बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक में इंडिया का क्या रोल है और किस तरह से होगा, कहने का मतलब यह है कि ये एक नेचुरल अलाय जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सालों से पहले कहा था, उसका मैनिफेस्टेशन अब जाके धीरे धीरे करके इस तरह का स्टेट विजिट, और उस स्टेट विजिट में सिंबोलिज्म काफी है। आपने देखा होगा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया गया था, किस तरह का एक बाइपार्टिसन सपोर्ट है वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। और आई थिंक वन ऑफ द जो हम लोग और आप तो खैर काफी बार यूएस में भी गए होंगे, इस तरह का एक जो रिसेप्शन है एक एक हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कहते हैं उनको, आई थिंक इट इज क्वाइट रेयर एंड उस नजरिया से सिम्बोलिज्म काफी है। और सब्सटेंस की बात जहां तक है उसमें जैसे आपने सही जिक्र किया कई सारे एग्रीमेंट्स हैं, और मिलिट्री एग्रीमेंट इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। मतलब मिलिट्री का ऑफकोर्स डिफेंस डील एक बहुत बड़ा पैकेज है उसमें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मिलिट्री या डिफेंस डील एक एक बहुत जरूरी अहम सेगमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके अलावा इंडस्ट्री से काफी बात हुई, आपने देखा होगा कल एलोन मस्क से ट्विटर के जो सीईओ हैं उनके साथ मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और टेस्ला कंपनी का अगले साल शायद इंडिया में भी एक एक खोलने का या प्लान्स बता रहे हैं। यू नो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन जरूर दिया है एलोन मस्क ने दैट वी प्रोबेबली हैव प्लान्स इन व्हिच यू नो टू गोइंग फॉर। तो इंडस्ट्री एक तरफ है और डिफेंस डील्स एक तरफ है, और एक ऐसा है जिसमें दोनों कंबाइंड भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का है, इट इज नॉट, और जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पहले कहा था ये जो रिलेशन है इट इज फॉर अ ग्लोबल गुड। मतलब भारत और अगर यूएस दोनों पावरफुल कंट्रीज अगर साथ में रहते हैं तो कई सारे जो कंट्रीज खासतौर पे चाइना की मैं जिक्र कर रहा हूँ जो अपने आप को एक पीसफुल राइस मानते हैं लेकिन हमने देखा है कि वो ऐसा नहीं है, उसके लिए एक डिटरेंस की तरफ काम करता है। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कभी भी यू नो हालात चेंज हो सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर इस तरह की इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया और यूएस रिलेशंस अगर बहुत जबरदस्त रहता है, क्लोज रहता है, तो मेरे ख्याल से पीस को कायम करने में, जो ग्लोबल रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसे हम कहते हैं उसको कायम करने में ये रिलेशन बहुत अहम है। तो मैं खाता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि उस नजरिए से ये एक बहुत अहम है एंड आई थिंक इट्स अ क्वाइट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स नेक्स्ट 30-40 इयर्स ऑफ ग्लोबल पीस एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर पूरे विश्व में।
लेकिन आपने बात की रूल्स बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया जो है दे आर लुकिंग फॉर मेजर, बीइंग अ मेजर मिलिट्री पावर। व्हेन यू बिकम अ मेजर मिलिट्री पावर इट मींस कि आपको फिर कहीं ठुस ठस भी कौन सा हो जानी है, लड़ाई छड़ाई तो हो जाती है, गन पास हो तो एवं चल जाती है ठीक है। और इतनी बड़ी गन हो, इतने बड़े ड्रोन हो, इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हो, तो कहीं ना कहीं तो फिर इंडिया इज रेडी फॉर अ मिलिट्री। क्योंकि इस वक्त का जो तासुर तो यही दिया जा रहा है, अगर अमेरिका को चीन वाला इशू ना पड़ता तो इंडिया की कहाँ बारी आनी थी, या इंडिया को तो इतना कुछ ना मिलता। ये तो थैंक्स, वो जो आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात की इन टर्म्स ऑफ इंडियन ओशन, तो फिर ये थैंक्स टू चाइना है वन पॉइंट। सेकेंड, इतनी बड़ी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, एंड अगर ये माइंड सेट है इंडिया का कि हमने रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मेनटेन करना है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया इज ऑल रेडी एंड सेट कि अगर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन होती है तो मल्टीपल एक्टर्स के साथ मिलकर अपना रोल प्ले कर सकेगा। क्वाड को तो आपने मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने दिया, तो फिर आप, इज इंडिया रेडी फॉर ए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनने के लिए? देखिए चीमा साहब, एक चीज़ ये मान के चलिए, और हमारे यहाँ भारत में चाणक्य जो है वो बहुत फेमस जो स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, वो 3rd century BC, उस टाइम पे एक चीज़ कहा था कि अगर आपका जो शक्ति, मान लीजिए जो आपकी जो सेना की शक्ति अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो आपका जो युद्ध होने की संभावना उतना कम रहता है। मतलब मैंने कहने का मतलब यह है कि यू बिकम सो पावरफुल मिलिटेरली, देन दैट बिकम्स अ डिटरेंट। अगर आपकी जो मिलिट्री फोर्स इतना पावरफुल होता है, तो जो लोग आपके एडवर्सरी हैं वो 2 बार सोचते हैं, 3 बार सोचते हैं कि क्या हमें इस तरह का एक मिलिट्री माइट से वी शुड एंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं ये हमेशा मानता हूं कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ पीस की गारंटी है। जहां पर कमजोर होता है, जहां पर ये डिस्पैरिटी होती है कि शायद हम उनसे पावरफुल है, शायद हम उनसे उतने नहीं, हम शायद उनसे मुकाबला कर पाएंगे, इस तरह की जब बात होती है, जब इंटरेस्ट कंफ्यूजन बिटवीन द रिलेटिव पावर, तब लड़ाई होती है। जब ये क्लियर होता है कि ये पावर जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त, हमें अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो हम, अगर हम कुछ करते हैं गलत, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे ऊपर हावी हो सकता है, तो युद्ध की संभावना उतना ज्यादा कम होता है। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स की भी जब आप बात करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स रहता है, तो दैट्स अ डिटरेंट फॉर अवॉइडिंग वॉर, इट्स लाइक युद्ध ना होने की है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारत की जो स्ट्रैटेजी रही है, भारत का जो आर्म फोर्स की मॉडर्नाइजेशन रहा है, वो इसलिए है ताकि हमारी जो इंटीग्रिटी है या नेशनल सॉवरेनिटी है उस पर कोई वो ना आए, और हम अपने तरीके से एक डिटरेंस का तरफ बने, ताकि हमारे ऊपर कोई गलत काम। जहां तक आपकी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात है, भारत का ये हमेशा मानना मानना है, एंड आई थिंक यू यू विल एग्री यू नो दैट हमने हमेशा वो फॉलो भी किया है कि जहां पर जिनका जो जो एक विश्व में एक सिस्टम है, ग्लोबल सिस्टम है, उस सिस्टम के रूल्स को सभी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जहां चाइना ने क्लियर कट वायलेशंस करते आए हैं, लगातार करते आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ मेरे ख्याल से आज एक ग्लोबली, सिर्फ ना केवल भारत का, पूरे दुनिया में एक ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक तो नहीं कहूंगा मैं, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है ताकि इसको एनफोर्स करें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारे जैसे देश, जो बड़ा देश है, वो विथस्टैंड कर सकते हैं, जैसे हम लद्दाख में कर भी रहे, लेकिन जो छोटे देश है वो अगर ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर का अगर फॉलो नहीं होता है, तो जिसकी, जैसे बोलते हैं ना, आई थिंक हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो बात होती है, अगर आपके अंदर माइट इज राइट वाली, यू कांट फॉलो दैट रूल, दैट माइट इज राइट, सो एवरीबडी हैज टू हैव द सेम रूल्स, मैं मानता हूँ। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत हमेशा तैयार रहेगा थ्रू वेरियस मीन्स अदर देन मिलिट्री मीन्स। अभी आज की तारीख में हम मिलिट्री मीन्स की बात नहीं करते हैं, कि मिलिट्री अलायंस की बात नहीं करते, लेकिन अदर देन मिलिट्री मीन्स, डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे यूएन का प्लेटफॉर्म हो, उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि सभी को, सभी देशों को जो है वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, या जो ऑर्डर दिया हुआ सबके लिए समान, चाहे वो बड़ा देश हो, छोटा देश हो, कई कोई भी देश हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये आई थिंक इंडिया का व्यू पॉइंट है इस पर्टिकुलर चीज में। कल सर बिल्कुल ठीक हो गया, माइनस अगर आप ठीक है मिलिट्री को नहीं भी सोचते, लेकिन मिलिट्री के बगैर तो कुछ भी नहीं आप सोच सकते। टेक्निकली आप तो फौजी हैं, आपको इस चीज का जो मर्जी, आपकी इकोनॉमी भी सेव नहीं है विदाउट मिलिट्री, आपकी टेक्नोलॉजी भी सेव नहीं इसमें। चीमा साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें एक चीज जो समझना, आई थिंक आपके ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि मिलिट्री जरूरी है और इकोनॉमी जरूरी है। अगर आपका इकोनॉमी बढ़ेगा तो आपका मिलिट्री भी स्ट्रांग होगा, अगर आपका मिलिट्री स्ट्रांग रहेगा तो आपकी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। जब तक पीस ना हो तो आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, ये दोनों रिलेटेड है। तो ये दोनों रिलेटेड है। अगर मतलब मैं, अगर आपकी पाकिस्तान की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल दूं,
जब आपका इकोनॉमी ग्रो कर रहे थे, आई थिंक 70s का टाइम पे, यू नो लेट 60s 70s का टाइम पे, व्हेन एक्चुअली दे वर ग्रोइंग, आप इंडिया से भी फास्ट ग्रो कर रहे थे उस टाइम पे, तब आपका मिलिट्री ऑल्सो वॉज वेरी स्ट्रांग, काफी स्ट्रांग था उस टाइम पे। आपने जिस तरह से यूएस पूरे यू नो फोकस पाकिस्तान के ऊपर था, लेकिन जैसे आपका इकोनॉमिक डाउन आने लगा, आपके मिलिट्री का भी यू नो, क्योंकि पैसे या रिसोर्सेज तो उतने ही है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इसको हम एक को हम स्ट्रांग करें और दूसरे को स्ट्रांग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कल सब ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है ये गेम चेंजर है, ठीक है, और ये गेम चेंजर है क्योंकि इससे इंडिया की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री फील्ड्स में वो बढ़ेंगी, वन, और जो एसिमेट्री है चाइना के साथ वो कम होगी। आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर विजिट इस ये जो मैंने बात की है ये दैट मेक सेंस, और चाइना के हवाले से इंडिया विल बी मोर सिक्योर? इट विल, इट डज मेक सेंस चीमा साहब। एंड मैं इसको क्यों बोलता हूँ, मैं कल वही एलॉन मस्क की बात करता हूँ। मैं एलॉन मस्क ने बोला कि हम जो टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इंडिया में लाना चाहिए, काफी दिन से बात चल रही है उन्होंने, लेकिन ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो भारत के इंटरेस्ट को इतने ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा वो यू नो, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड है, तो उन्होंने कहा कि उनका वो भारत क्या चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टेस्ला भारत में आकर प्रोड्यूस करें, ताकि वहां पर कंपनी आए, वहां पर लोगों को काम मिले, वहां पर प्रोड्यूस हो तो ज्यादा फायदा है। तो और उन्होंने ये भी कहा कि यू नो काफी सालों से उनके साथ रिलेशन रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, एंड इनफैक्ट मेंशन दैट दोनों एक बहुत बड़े फैन भी है। तो अब वो तैयार हो रहे हैं कि दैट माहौल बन रहा है इंडिया में, बिकॉज आई थिंक यू नो इम्पोर्ट रूल्स और सब चीजें मैटर करती है, उन सब चीजों में भी बदलाव आ रहा है, तो वो तैयार हो रहे हैं आने के लिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ चीमा साहब कि ये जो चेंज जो अभी इस बारे से जिसको आप जो गेम चेंजर कह रहे हैं वो ये है कि पहले क्या हमको सिर्फ इक्विपमेंट दिया जाता था कि आप हमको ये चाहिए तो आप ये ले लीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप यूएस इंडिया का बीच में जो बात चल रही है इट इज को डेवलपमेंट, कि दोनों साथ मिलकर बनाएंगे और दोनों साथ बनके प्रोडक्शन भी करेंगे, मतलब पहले डिजाइन विजाइन करेंगे उसके बाद प्रोडक्शन भी करेंगे। इसी का एग्जांपल है जो GE414 जो जेट इंजन की जो बात चल रही है डील, जो मेरे ख्याल से इस बार थ्रू होने वाला है, उनका भी ये मानना है कि वो जो जेट इंजन है वो इंडिया में प्रोड्यूस होगा, इंडिया में बनाएंगे, इट विल बी जॉइंट वेंचर, इंडिया में प्रोड्यूस होगा और इंडिया विल बी द फोर्थ, मतलब चार कंट्रीज हैं अभी तक जो जेट इंजन प्रोड्यूस करने के है, यूएस यूके आई थिंक फ्रांस और रशिया, ये चार ही कंट्रीज है, चाइना के पास भी वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब ये मान के देखिए अगर जेट इंजन भी इंडिया में प्रोड्यूस होने लग गया, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी अगर यूएस करने के लिए तैयार है, मतलब दैट्स अ बिग थिंग, तो नेचुरली जब इंडिया और चाइना की जो एसिमेट्री है उसमें फर्क तो पड़ेगा पड़ेगा, देयर विल बी लॉट ऑफ, क्योंकि बात अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी की ही है। तो मेरे ख्याल से ये जो विजिट है उसमें टेक्नोलॉजी के बारे में, उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिस तरह से यूएस अभी तैयार हो रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी चीजों के बारे में दे आर रेडी टू ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी, जो कि भारत फिर एक नॉन अलाई देश है, अभी तक तो भारत उनके साथ नाटो में नहीं है, कहीं और भी नहीं है, उस तरह से देखा जाए तो आपका बात बिल्कुल सही है कि चाइना के साथ में आने वाले दिनों में वो दैट एसिमेट्री और बाकी सब चीजें कम कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। कम साहब आप क्या समझते हैं, आपके तो बड़े इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है आपके साथ, और अमेरिका क्या बेसिकली गेन करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि यार इंडिया हमारे लिए ये करे? देखें वो हम कहते हैं ना अमेरिका में या इधर उधर वो देर इज नो फ्री लंच, कुछ भी नहीं है, मतलब एक तो हमें इंडिया की कैपेबिलिटी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल, बड़ी मार्केट, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद है, इंटैक्ट हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो हम हमारे कहते हैं ना इतना कुर्बान जाना, ठीक है, ये मतलब मगरब जो वेस्ट है इतना जल्दी कुर्बान नहीं जाता, ठीक है, तो क्या क्यों कुर्बान जा रहा है भारत के ऊपर, क्या है बस लव अफेयर, ये क्या मोहब्बत है जो कि इंडियन समझते हैं कि दिस इज व्हाट अमेरिका नीड्स फ्रॉम इंडिया, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इसको देखिए मैं ये मानता हूँ कि चीमा साहब हमारे मतलब जिस, क्योंकि आपने भी कहा हमारे यहाँ भी कहते हैं ना उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट लाइन कि आप उगता हुआ सूरज है, हाँ, तो दैट्स मतलब सूरज हम लोग मतलब अराउंड द